हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी हो गई है गुड मॉर्निंग, और मॉर्निंग होने के तो जी हो गई है मॉर्निंग, और आज मुझे करने हैं बहुत सारे काम घर के, क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं, फिर ईद आएगी, तो इसलिए घर के बहुत सारे काम करने हैं। घर की सफाई सुथराई वगैरह, फ्रिज क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम करते हैं नाश्ता और फिर अपने काम स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं कर रही हूँ आपके पे कपड़े प्रेस, अच्छी अच्छी बीवियों की तरह, ठीक है। अभी मैं बस लाइट से नाश्ता कर रही हूँ। ये मैं जो है बाकर खानी जो होते हैं खा रहे हैं उनको बोलते हैं, ये मैं थोड़े से एक दो खाऊंगी। और ये जूस है, यहाँ मैंने रख दिया अंडा बॉईल करने के लिए। लाइट से अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, इसके बाद खाना मैं थोड़ा हैवी खा लूँगी, ठीक है जी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना, ये सब हम उठा देंगे अभी यहाँ से, सब क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने जाले वगैरह साफ़ करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि जाले नहीं होने चाहिए घर में, नहुसत होती है, नेस्ती होती है, इसलिए जहाँ भी थोड़े थोड़े नज़र आए वहीं आपको साफ़ कर लेने चाहिए। ये देखिए ये मेरे तो होना शुरू हो गए हैं और मुझे टाइम हो गया साफ़ किए हुए। ये हमारे घर में चार्जर देखें कितने ज़्यादा हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी सफाई, लेकिन सफाई करने से पहले मैं मास्क ज़रूर पहनूंगी, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी, आप लोग सब भी एहतियात किया करें, एलर्जी हो जाती है डस्ट से, तो मास्क से या कोई कपड़ा बांधकर सफाई किया करें घर की। करते हैं किचन, रूम तो हो गया एक, अब स्टार्ट करते हैं किचन। तो ये देखें मेरा किचन हो गया है बिल्कुल क्लीन क्लीन क्लीन। ये देखिए। चले जी अब करते हैं दूसरा कमरा, सब क्लीन हो गया। अब करते हैं इस कमरे की सारी सफाई।
गंदा हो रहा है ये भी। तो ये देखें, ये रूम भी मैंने कर लिया है बिल्कुल क्लीन, इसकी भी सफाई हो गई है, अब क्या रह गया। हाँ जी, तो अब हम करेंगे सोफे क्लीन। ये मैंने सर्फ का पानी लिया है और ये मैंने बिल्कुल सादा पानी लिया है। ये सूखा कपड़ा है, ये गीला है, और इससे जो है मैं अपने सर्फ से, ये देखें, इससे मैं सोफे साफ कर रही हूँ, उससे से ही करती हूँ, और बहुत अच्छे सोफे साफ हो जाते हैं इससे। तो बस सोफे साफ करेंगे पानी ले लेकर, फिर इसको सूखे कपड़े से साफ करेंगे, फिर गीले से। तो जी, इस तरीके से ये मैं सब साफ करूँगी। आज तो बहुत ही थक गई भाई, बहुत थक गई आज, ये सुबह से लगी हुई हूँ। ये वाइट है, असल में वाइट कलर गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। वाइट कलर कुछ चीज़ें ले लो फर्नीचर, लेकिन इसकी ख्याल और इसकी सफाई बहुत करनी पड़ती है। तो चलिए सोफे साफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हो गए हमारे सोफे बिल्कुल क्लीन, दिख रहे होंगे आपको, कमरा पूरा क्लीन। और जी, ये मैंने बनाए थे विंग्स, इसकी मैंने रेसिपी आपको नहीं दी, लेकिन मैं दूंगी ज़रूर। तो बस अभी भूख लगने लगी है और मैं ये खा रही हूँ विंग्स, और उसके बाद जी मैं ये बना रही हूँ यहाँ पर नगेट्स। नगेट्स रेडी चिकन के, और इसको मैं अब कर दूँगी फ्रीज ऊपर वाले फ्रीजर में। और इसमें जो मैंने ऐड किया था, चिकन थी और ब्लैक पेपर था और पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक और सोया सॉस, बस ये चीज़ें डाल के सब ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल बारीक कीमा इसका बिल्कुल कर लिया था। फिर इसके देखें मैंने शेप कैसे बनाई, जैसे बाहर मार्केट में होते हैं रेस्टोरेंट के, ऐसी शेप बिल्कुल बनाई है। और इसको मैंने फिर अंडे में डीप करके, ब्रेड क्रम्स में डीप करके, और बना लिए, हो गए ये रेडी। जब हम स्टार्ट करते हैं अपना खाना पकाना रात का, और जो है डिनर में मैं बना रही हूँ आज चिकन तंदूरी, और उसके लिए मैंने ये चिकन लिया है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये एक प्याज मैंने ग्राइंड कर ली है। अब यहाँ आ जाते हैं, ये मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, और ये मैंने चाट मसाला, ये नमक है, ये पिसी हुई मिर्च नहीं, तंदूरी मसाला होता है ना, ये तंदूरी मसाले का पैकेट जो होता है वो लिया है थोड़ा सा, और ये जर्दे का रंग है, हल्दी है, गरम मसाला है, ये धनिया है पिसा हुआ, और ये ज़ीरा है पिसा हुआ, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। दही है, दही अभी है नहीं मंगवाने के लिए, मैंने भेजा हुआ है, आके लेने गए हुए हैं। अभी सबसे पहले मैं इसमें ये शामिल करूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर इसमें मैं ये हरी प्याज, वो हरी प्याज की ये प्याज जो है ग्राइंड हुई भी, ये शामिल करूँगी, और ये सब चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी, और इसको मैरिनेट करके हाफ आवर के लिए रख देंगे। फिर इसको जब मैं पकाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर और हम इसको रख देंगे हाफ आवर के लिए, ठीक है। तो अब चले जी बनाते हैं अपनी रेसिपी। और ये मैरिनेट हो गया है, और मैं इस वाली हांडी में बना रही हूँ मिट्टी की, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, आजकल मुझे बहुत शौक चढ़ा हुआ है। तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, आप अपने मुताबिक डालिएगा, ज़्यादा या कम जितना आप खाते हैं, ठीक है। अभी मैंने सब इसमें डाल दिया है, इसको थोड़ा सा भून कर भाप में ढक दूँगी, फिर बाद में मैं दही डालूँगी। दो यार जल्दी दही, मुझे जल्दी, हाँ
इसमें डाल दो, इसमें बताती हूँ। तंदूरी चिकन की ग्रेवी ज़्यादा नहीं, ये देखें ये मैंने ले लिया है दही थोड़ा सा, क्योंकि मैं चिकन थोड़ा कम बना रही हूँ इसलिए दही कम लूँगी, और यहाँ मैं रख दूँगी कोयला सिकने के लिए। और इसमें मैं थोड़ी सी ये जो है ये पेपरिका पाउडर ये डालूँगी, ओए हो ज़्यादा डल गया, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी नमक, और इसको मिक्स करेंगे, इसके बाद इसमें डाल देंगे। नहीं मिक्स करके इसको नहीं डालो, ये बिल्कुल इसको थोड़ी देर भुनेंगे, बिल्कुल भुनने पर आ गया है सालन, इसको भूनकर इसमें हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया, फिर ऊपर से गार्निश करके निकाल देंगे, फिर ये हो जाएगी रेडी। यस ये हो जाएगी रेडी। एक मिनट, पानी पानी क्यों हो रहा है? अरे तो अभी भुनाई कब हुई है, अभी दही डाला है। जी यहाँ पर अब इसको हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे तेज आंच पर, ठीक है, क्योंकि इसकी ग्रेवी ज़्यादा नहीं होती है। और इसके बाद यहाँ पर ये हमने कोयला रखा हुआ है, फिर कोयला डालकर इसको दम देंगे, और ये मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, हरा धनिया ऊपर से डालूँगी काट के। अब इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। ओए तो जी ये देखें मज़ेदार सा फाइनल लुक तैयार, अब खाने के बाद बताते हैं कैसा लगा। सबसे पहले चक्कर बताओ, ये बोटी के साथ बहुत मज़े का है, चप चप ऐसा लग रहा है किसी अच्छे रेस्टोरेंट। वाओ तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया हमने, और बहुत ही टेस्टी बनी थी आज की रेसिपी, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा सालन। तो जी आज का व्लॉग ये था, आज का शेड्यूल बहुत बिजी था, आप लोगों के सामने है सब कुछ मैंने शेयर किया। यकीनन आप सब भी इन्हीं कामों में बिज़ी होंगे, क्योंकि जाहिर बात है जब रमज़ान आते हैं, ईद आती है, तो उसकी तैयारियाँ करनी होती हैं, और पहले से ही बंदा रमज़ान से पहले ये सब कुछ काम फिनिश कर लेता है, क्योंकि रमज़ान में इतनी हिम्मत नहीं होती, रोज़े भी रखते हैं, इबादत भी होती है, तो ये सब काम नहीं हो पाते हैं। इसलिए मुझे भी आज ही टाइम मिल गया था, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आज ही अपना ये सब काम निपटा लूँ। तो ये थी मेरी रूटीन आज की, और बहुत बिजी, तो काफ़ी आपको पता है ये काम करने के बाद हिम्मत जवाब दे जाती है, बहुत थक चुकी हूँ, अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आई होप कि आप सबको ये मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जी मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा अब मैं नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाऊँ आप लोगों के साथ, क्या रेसिपी करूँ, या कोई व्लॉग जो भी आप चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।